जय श्री श्याम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तो उनका अंतिम संस्कार पांडवों ने किया था, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का सारा शरीर तो जल गया लेकिन उनका दिल नहीं जला। तभी उनके शरीर से आवाज़ आई थी कि मेरे दिल को समुद्र में फेंक दो। तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी का दिल समुद्र में फेंक दिया, तो वह दिल समुद्र की लहरों के साथ बहकर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पहुंच गया और आज भी यह जगन्नाथ भगवान के अंदर धड़कता है। तो आइए जानते हैं अब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। पहला, जगन्नाथ मंदिर में लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इस ध्वज को रोज बदलते हैं, और मान्यता है कि जिस दिन ये बदला नहीं गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दूसरा, यह मंदिर बहुत ही बड़ा और ऊंचा है लेकिन इसकी आज तक कभी भी जमीन पर परछाई नहीं पड़ती है। तीसरा, जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। यह अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसे पूरी की किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुँह आपकी ही तरफ हो। चौथा, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर ना तो पक्षी बैठते हैं और ना ही इसके ऊपर से उड़ते हैं और ना ही आज तक इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ा है। ऐसा नील चक्र की उपस्थिति के कारण होता है। पांचवा, जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों का जरा भी शोर सुनाई नहीं देता। छठा, भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई सबसे बड़ी रसोई है और यहाँ 800 रसोइये प्रसाद तैयार करते हैं और यहाँ कितनी भी संख्या में भक्त आ जाएं, लाख 10 लाख, कभी भी प्रसाद की कमी नहीं पड़ती है। लेकिन शाम के समय जब मंदिर के पट बंद होने का समय होता है तो प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, जिससे आज तक प्रसाद व्यर्थ नहीं हुआ। सातवां, ऐसे में परंपरा के अनुसार हर 12 साल में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति परिवर्तित की जाती है, तो बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है और जगन्नाथ भगवान का दिल नई मूर्ति में लगाया जाता है और ऐसा करते समय आसपास की जगहों में अंधेरा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि अगर जो कोई भी उस दिल को देख लेता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है और जो मंदिर के पुजारी रहते हैं, जो दिल को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, उनकी आँखों पर भी पट्टी बंधी रहती है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ।